श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 633वें अंग की गुरबाणी की व्याख्या लेके हाजिर हाँ जी। किवें पता लगे कि किसी के हिरदे विच परमात्मा का निवास हो चुका है कि नहीं, किसी की लगन उस परमात्मा दे विच लग चुकी है कि नहीं, इस अंग की गुरबाणी दे विच गुरु साहिब सानू दसते हैं कि यह किवें पता किया जाए। आओ जाणीए। Religion Outlook। सोरठ महला नौवां, रे नर एह साची जी तार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत न बार रहाओ। हे मनुख, अपने हिरदे दे विच अपने दिल दे विच ये गल पक्की टका लै कि यह सारा संसार जिहड़ा है यह सुपने वर्गा है, ये नास हुंदिया चिर नहीं लगता। बारू पीत बनाई रच पच, रहत नहीं दिन चार, तैसे ही एह सुख माया के, उर्जो कहां गवार। हे भाई, जिमें किसी ने रेत की कंध उसार के पोच के तैयार की होगी, पर हुंदी ते आखिरकार रेत की कंध ही है ना, वह चार दिन भी नहीं टिकती। इस तरह माया के सुख रेत की कंध वर्गे। हे मूर्ख, तू इन्हां सुखां दे विच क्यों मस्त हो रहे हैं जदों पता है कि इन्हां ने बहुती देर नहीं टिकना। धन पदार्थ जदों आउंदा है तो बंदे नूं खुशी महसूस हुंदी है, पर जदों जांदा है तो उह तों भी वधेरे दुख लगदा है। खुशी जिहड़ी उहने महसूस कीती उह कुछ क मिंटां सकिंटां दी हुंदी है जदों धन पदार्थ उहनूं मिलदा है, घंटे दो घंटिआं तक भुल जांदा है कि मैनूं धन पदार्थ मिलिआ सी ते मैं खुश रहां, पर जदों उही धन पदार्थ जांदा है तां उहदा दुख घंटिआं बद्धी दिनां बद्धी उहदे दिल च लग्गिआ रहिंदा है। इसे प्रकार ही चीज़ां हैं, कोई नवी चीज़ खरीद लियाओ एक वक्त ते बड़ी खुशी हुंदी है, पर थोड़े ही समय दे विच वो चीज़ जिंदगी का आम हिस्सा बन के रह जाती है, उन्हूं वेख के किसी भी प्रकार की अलग खुशी का एहसास नहीं हुंदा। ये नहीं हुंदा कि तुहाडे जीवन दे विच कोई दुख भरी परिस्थिति आई, तुसीं दुखी महसूस कर रहे हो, पर थोड़े कोले कोई बड़ी सोहनी कार है ते उहदे वल तुसीं वेखो ते तुहाडा जिहड़ा वो दुख का एहसास है वह दूर हो जाए। नहीं, इदा कदे नहीं होंदा। उत्थे ही जेकर परमात्मा के नाम के विच तुहाडी लगन लगी हुई है, जीवन के विच कैसियां भी परिस्थितियां होवन, एक बार तुसीं अपने हिरदे च झाती मार के परमात्मा के नाल सांझ पाउणी है, तुहाडे दुख पलां के विच ही खत्म हो जाते। परिस्थिति हाले भी उवें ही है, पर जो उस परिस्थिति नूं लै के तुसीं दुखी महसूस कर रहे सी, जदों ही तुसीं परमात्मा दे नाल अपनी तार जोड़ी, दुख खत्म। चेते रखिए इन्हां गल्लां नूं कि माया दा मोह रेत दी कंध वर्गा है, चंद दिन भी नहीं टिकदा। अजहू समझ कछ बिगड़ियो नाहन, भजले नाम मुरार, कहो नानक निज मत साधन, कौ पाख्यो तोहे पुकार। हे भाई, अजे भी समझ जा, अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया, साह तेरे चलते पए ने, जिन्ना भी जीवन रहिंदा है उहनूं परमात्मा की लगन दे विच गुजार, परमात्मा का नाम सिमरिया कर। हे नानक आखो, हे भाई मैं तैनू गुरमुखां दा इह निजी ख्याल पुकार के सुना रहा हाँ। सोरठ महला नौवां, एह जग मीत न देखियो कोई, सगल जगत अपना सुख लाग्यो, दुख में संग न होई रहाओ। हे भाई, इस जगत दे विच तोड़ साथ निभाउण वाला मित्र मैं नहीं वेखिया, सारा संसार अपने सुख विच ही जुटा पिया है, दुख विच कोई किसी दे नाल साथ नहीं निभाउंदा, साथी नहीं बनता। दारा मीत पूत सदबंदी, सगरे तन स्यो लागे,
जब ही निर्तन देखियो नर को संग छाड़ सब पागे। हे भाई, स्त्री मित्र पुत्र रिश्तेदार ये सारे धन नाल ही प्यार करते हैं। जदों इन्होंने मनुख नूं कंगाल वेख्या साथ छड के नस जाते हैं। ये कोई रास की गल नहीं है। आप सारे ही पली भांत इस गल नूं जानते हाँ कि जदों ही तुहाडे कोल चार पैसे आ जाण तां लोक तुहानूं प्यार जताउण लगते ने, ते जदों तुसीं कंगाल हो जावो ते तुहाडे तों दूर भज्जण लगते ने। किते ना किते अपने जीवन दे विच असीं सब ने थोड़ा बहुत ये महसूस किया होगा। मैं ते अपने जीवन दे पिछले लंघ चुके समय ते जात मारां ते बड़ियां ही ऐसियां घटनावां चेते विच आ जांदियां ने कि जदों साडी गरीबी दी हालत वेख के लोगों ने कन्नी कतराई ते थोड़े हालात सुधरे ते उही लोग नज़दीक भी आ गए। कहों कहा या मन बोरे कौ इनसे नेह लगायो, दीनानाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो। हे भाई, मैं इस झले मन नूं की समझावां। इसने इन्हां कच्चे साथियां दे नाल प्यार पाया होया है। जिहड़ा परमात्मा गरीबां दा राखा ते सारे डर नास करन वाला है उहदी सिफत सलाह इन्ने भलाई हुई है। सुवान पूछ जो भयो न सुदो, बहुत जतन मैं कीनो, नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। ये भाई, जिवें कुत्ते दी पूछल सीधी नहीं हुंदी, इसे तरह इस मन दी परमात्मा दी याद वल्लों लापरवाही हटदी नहीं। मैं बहुत यतन कीता है। हे नानक आखो, हे प्रभु, अपने मुढ़ कदीमा दे प्यार वाले सुभा दी लाज रख, मेरी मदद कर, ता ही मैं तेरा नाम जप सकदा हाँ। सोरठ महला नौवां। मन रे गहयो ना गुर उपदेश, कहां भयो जो मुंड मुंडायो, भगवो कीनो भेस रहाओ। हे मन, तू गुरु की सिख्या ग्रहण नहीं करता। गुरु का उपदेश भुला के जे सिर भी मना लिया ते भगवे रंग के कपड़े पा ले तां की बनिया। ऐसा शरीरक भेस बदलन दे नाल तेरे आत्मक जीवन दे विच कोई फर्क पिया? ये सवाल गुरु साहब करते ने। साच छाड़ कै झूठ लाग्यो, जन्म अकारथ खोयो, कर पर पंच उदर निज पोख्यो, पश की न्याई सोयो। हे भाई, भगवां भेख तां धार लिया पर सदा थिर प्रभु का नाम छड के नासवंत पदार्थां दे विच सुरत जोड़ी रखी, लोकां नाल छल करके अपना पेट पालदा रहा, पशुआं दे वांग सुता रहा। राम भजन की गत नहीं जानी, माया हाथ बिकाना, उर्ज रहियो बिखेयन संग बौरा, नाम रतन बिसराना। ये भाई, गाफल मनुख परमात्मा दे भजन दी जुगत नहीं समझदा, माया दे हाथ विच विकिया रहिंदा। कमला मनुख मायक पदार्थां दे मोह च मगन रहिंदा है ते प्रभु दे श्रेष्ठ रतन नाम नूं भुलाई रखदा है। रहियो अचेत न चेतियो गोविंद, बिरथा औद सिरानी, कहो नानक हर बिरद पछानो, भूले सदा पुरानी। मनुख माया दे विच फस के अवेसला होया रहिंदा, परमात्मा नूं याद नहीं करदा, सारी उम्र व्यर्थ गुजार लैंदा है। हे नानक, ये आखो, हे हरी, तू अपने मुढ़ कदीमा दे प्यार वाले सुभा नूं चेते रख, ये जीव तां सदा भुले ही रहिंदे ने। सोरठ महला नौवां। जो नर दुख में दुख नहीं मानै,
सुख स्नेह अर पै नहीं जाकै कंचन माटी मानै रहाओ। ये भाई जिहड़ा मनुख दुखां दे विच घबराउंदा नहीं ते जिहदे हिरदे विच सुखां दे नाल मोह नहीं, कहण तों भाव कि जो भी उहदे जीवन दे विच है उह खिड़े मत्थे स्वीकार करदा है, ना ही तां दुखां तों तंग हुंदा है ते ना ही सुखां दी उहदे अंदर कोई लालसा है, ना ही उहदे अंदर किसे किस्म दा कोई डर है, ते सोने नूं जिहड़ा मिट्टी समान समझदा है उहदे अंदर परमात्मा दा निवास हो चुक्या हुंदा है। ना निंदिया ना उस्तत जाकै लोभ मोह अभिमाना हरख सोग तेरा है न्यारो नाहे मान अपमाना। हे भाई जिस मनुख दे अंदर किसी की चुगली बुराई नहीं, किसी की वह खुशामद नहीं करता, जिदे अंदर ना कोई लोभ है ना मोह है ना हंकार है, जिहड़ा मनुख खुशी ते गमी तो निर्लेप रहिंदा है, ना उन्हूं आदर पो सकता है ना उन्हूं किसी तरह का कोई निरादर दुखी कर सकता है, उहदे अंदर परमात्मा का निवास हो जाता है। आसा मन शा सगल त्यागै जगते रहै निरासा काम क्रोध जिह परसै नाहन तेह घट ब्रह्म निवासा। जिहड़ा मनुख आसा उम्मीदा सब त्याग दिंदा है जगत तो निर्मोह हो जाता है, जिस मनुख नू ना काम वाशना छो सकती है ना क्रोध छो सकता है उहदे अंदर परमात्मा का निवास हो जाता है। गुर किरपा जिह नर कौ कीनी तेह एह जुगत पछानी नानक लीन भयो गोविंद स्यो ज्यो पानी संग पानी। हे नानक आखो जिस मनुख उत्ते गुरु ने मेहर कीती उसे ने ही जीवन की यह जांच समझी है, वह मनुख परमात्मा नाल इउं एकमिक हो जाता जिवें पानी दे नाल पानी। सो इस दे नाल ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 633वें अंग की गुरबाणी की व्याख्या की समाप्ति होंदी है जी। इस अंग की गुरबाणी के गुरु साहब ने बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके सानू दसे ने जिदे नाल असीं ये पता कर सकीए कि साडे हिरदे च परमात्मा का निवास है कि नहीं, ते जे असीं चाहुंदे हाँ कि साडे हिरदे च परमात्मा का निवास हो जावे ते ये गल्लां असीं करिए, दुखां दे विच घबराउणा बंद करिए, सुखां दी लालसा छड्डिए, किसी भी किस्म का डर अपने अंदर ना रखिए, सोने आदिक पदार्थों के नाल कोई भी मोह ना पाइए, किसी की चुगली बुराई ना करिए, किसी की खुशामद ना करिए, ना ही किसी प्रकार का लोभ रखिए, किसी चीज़ के नाल मोह ना रखिए, अपने अंदरों हर तरह का छोटे तो छोटा हंकार भी जेकर है उन्हें बाहर कढ मारीे, खुशी कमी तो निर्लेप हो जाइए, सब उम्मीदा त्याग दईए, ये ना रखिए मन दे विच कि अगे जाके साडे जीवन दे विच आ खुशी आ जाएगी, क्योंकि जे इदा दी आस तुहाडे मन दे विच है इहदा मतलब कि तुसीं सुखां दे नाल मोह दे विच, सुखां दे मोह नूं त्यागना है, काम वासना ते क्रोध तों मुक्त हो जाइए, फिर असीं कह सकते हां कि साडे हिरदे च प्रभु दा निवास हो चुक्या है। आत्मक जीवन नूं महत्व दईए, शरीरक भेस नूं नहीं, ते याद रखिए कि इह जगत नासवंत है, इस जगत की हर चीज़ नासवंत है, अंत वेले साडा साथ निभाउण वाला कोई नहीं सिवाए परमात्मा दे नाम तो। दोस्त मित्र परिवारक मैंबर रिश्तेदार सारे साथ छड जांदे ने जदों समां माड़ा होवे, जदों तुहाडे ते गरीबी होवे, जदों तुसीं कंगाली दी हालत विच होवो, उहनां दा मोह पैसिआं तक सीमित हुंदा है, मायक धन पदार्थां दे विचों खुशियां लभणियां रेत दी कंध नूं पोचण दे बराबर है, वो चंद दिन दियां ही मेहमान हुंदियां ने। यह सारियां सिक्ख्यावां इस अंग की गुरबाणी दे विचों आपां हासिल कीतियां ने, परमात्मा जी कृपा करन इन्हां सिक्ख्यावां दा भाव साडे हिरदियां दे विच छप जावे। इत्थे इस वीडियो की समाप्ति करदे हां जी। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।